so bright. It's hard to breathe. It's alright. तो हे गाइज वेलकम टू शिवम गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे दो ड्रैगन शॉट के बारे में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो दो ड्रैगन शॉट आप लोग यूज़ करके क्लोज रेंज पे और मिड रेंज पे बहुत ही इजी तरीके से स्कूप करके शॉट मार सकते हो, ठीक है। एक मैं शॉर्ट रेंज के लिए पूरा बताऊंगा ट्रिक और एक बताऊंगा मैं मिड रेंज के लिए, तो आप लोग कैसे स्कूप करके शॉट मार सकते हो। तो गाइज वीडियो को इन तक देखते रहो, चैनल पे नया हो तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बगल में बेल आइकन बन के आएगा तो उसे भी प्रेस कर देना, ठीक है। और जो जो भाई लोगों को टिप्स एंड ट्रिक के बारे में पता है तो बहुत अच्छा है, और जो जो भाई लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक है। तो वीडियो को इन तक देखते रहो, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस ट्रिक को अब मैं 2 दिन हुआ है, ठीक है, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 दिन नहीं मतलब 1 दिन ही हुआ है, ठीक है, मैं अभी सीख रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आता है, उतना भी ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो एनिमी है देख सकते हो गाइस, ये तो पुतला है, तो इसको इसके ऊपर मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर मैं वो फाइटिंग एरिया पे जाके दिखा दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने कैसे हेडशॉट मारा। तो गाइस यहाँ पे एम देख सकते हो, एम इधर होगा तो एनिमी को हेडशॉट नहीं लगेगा, ठीक है। तो गाइस मिड रेंज पे स्कोप करके मारोगे तो एम इधर होगा तो हेडशॉट नहीं लगेगा, तो एम इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इधर होके ऐसे हेडशॉट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मेरा एम किधर है, और से आपको राइट साइड पे खींच के तो यहाँ पे हेड पे कनेक्ट करके थोड़ा सा ड्रॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा भी उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो मैं नया नया हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरा एम किधर है, कहाँ से मैं कहाँ ले रहा हूँ। तो आपका एम लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड से राइट तरफ ले जाना है, ठीक है। तो राइट तरफ ले जाना है, लेने के बाद गाइस थोड़ा सा ड्रॉप करना है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस। तो गाइस जैसे करके आप लोग हेडशॉट मार सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मेरा एम किधर था, कहाँ से मैं कहाँ ले गया। तो एम मेरा लेफ्ट साइड पे था, तो लेफ्ट साइड पे इधर देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे एम है, वहाँ से मैं इधर ले जाके हेड पे कनेक्ट करके थोड़ा सा ड्रॉप करके हेडशॉट मार रहा हूँ। तो गाइस जैसे करके आप लोग हेडशॉट मार सकते हो गाइस क्लोज रेंज पे। और अभी मैं यहाँ पे मिड रेंज की बात करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे मिड रेंज की बात करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे सोलो मशीन में आप लोगों को दिखा देता हूँ तो कैसे क्या करना है आप लोगों को, तो फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को मिड रेंज के बारे में बात करता हूँ। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये एनिमी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोलो मोशन में दिखा रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एम किधर क्या किया। तो यहाँ पे करके आपको फायर करते समय ऊपर इधर ले जाना है, ठीक है, राइट साइड पे ले जाना है, राइट साइड पे लेने के साथ साथ ही ड्रॉप कर देना है। तो गाइस ऐसे करके आप लोग हेडशॉट मार सकते हो, और ये ट्रिक आप लोग, ठीक है, लॉन्ग रेंज में भी यूज़ कर सकते हो, तो स्कोप करके, और आप लोग मिड रेंज में भी यूज़ कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये शॉर्ट रेंज का ट्रिक है, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज पे आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे कैसे हेडशॉट मार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कैसे हम मेरा हर गोली हेड पे कनेक्ट हो रहा है। तो गाइस कैसे मार सकते हो गाइस, यहाँ पे जो फायर बटन है, फायर बटन को आप लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी करना है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ राइट फायर बटन को खींचना है। तो गाइस ऐसे करके आप लोग हेडशॉट मार सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फाइटिंग एरिया पे जाके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फाइटिंग एरिया पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैं हेडशॉट मार रहा हूँ। तो गाइस कैसे मारूँ, मेरा फायर बटन पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट फायर बटन पे ध्यान देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैं नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, तो नीचे से ऊपर की तरफ आप लोगों को खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मैं सोलो मशीन में यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइस, मेरा एम आपका रेड भी होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैं नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। तो गाइस ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इसको, तो आप लोगों को हर गोली आपको रेड नंबर देखने के लिए मिलेगा, तो हर गोली आपको हेड पे जाएगा। तो गाइस इसको आप लोग यूज़ करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग में आके, और स्कोप करके जो मैं हेडशॉट मारना आप लोगों को दिखाया था तो वो भी प्रैक्टिस करो, वो आप लोगों को मतलब मिड रेंज पे और लॉन्ग रेंज पे भी बहुत ही ज़्यादा कम करेगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास कॉट खेलते हो, क्लास कॉट में तो बहुत ही ज़्यादा कम करेगा। तो ये ट्रिक तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो वीडियो को इन तक देखने के लिए शुक्रिया गाइस, ये दो टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आप लोग जो ये ट्रिक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो दो ट्रिक यूज़ करते समय आप लोगों को मूवमेंट में होना जरूरी है, ठीक है। तो मूवमेंट करते रहना तो और भी ज़्यादा हेडशॉट लगने के चांस ज़्यादा है, तो हर वक्त मूवमेंट करते रहना होगा, ठीक है। तो जब देखना गाइस पूरा एकदम पूरा एक बार प्यार पे चिपक गया तो एम, तो तभी तो हेडशॉट नहीं लगेगा, तो तभी आपको मूवमेंट करके थोड़ा सा मतलब एम को सही कर लेना, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा दूर जाके, ठीक है, एम को उससे हाइट करके फिर ट्राई करना है। तो देखना गाइस हेडशॉट 100% आपका लगेगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और जो जो भाई लोगों को टिप्स एंड ट्रिक के बारे में पता होगा तो वो भी भाई कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मुझे पता था। तो जो जो भाई लोगों को नहीं पता है तो गाइस उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। और गाइस
मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मेरा गिल्ड के बारे में। तो गाइस गिल्ड में जो जो भाई लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो, ठीक है। तो मेरा गिल्ड में कोई रूल नहीं है, तो ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, ये खेल नहीं पता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है गाइस। आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो मेरा गिल्ड आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस जल्दी ले जाओ गाइस, जो जो भाई लोगों को आना है तो रिक्वेस्ट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।